आगे बढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियल या फिर संयुक्त उपकला। ठीक है, देखो इधर मैंने आपको पढ़ाया सिंपल एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल का मतलब होता है इसमें एक ही लेयर है, एक ही सतह है। ठीक है, और संयुक्त का मतलब होता है इसमें एक से ज्यादा सतह है। ठीक है, क्या बताया मैंने, मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर या फिर एक से ज्यादा सतह से मिलके बना। ठीक है, नोट डाउन करते रहना। ये एक सीमित समय तक सीमित तरह से किसका काम करता है, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का। ठीक है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन लिमिटेड। ठीक है, इसमें नीचे फंक्शन लिख दीजिए। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, लिमिटेड टाइम के लिए, हाँ मतलब एक लिमिट तक करता है। ठीक है, अब इसका लिखिए फंक्शन। का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन देता है, मतलब बचाव के काम में आता है। ठीक है, इसका देखिए क्या फंक्शन है, इसका मुख्य कार्य रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों स्ट्रेस से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस मतलब किसी भी चीज का स्ट्रेस लेना। ठीक है, समझ आया, प्रोटेक्ट करता है किससे, मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस से। ठीक है, मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस मतलब रासायनिक रासायनिक व यांत्रिक स्ट्रेस से रक्षा। ठीक है, क्या है समझ, इसका फंक्शन क्या होता है। देखो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है कंपाउंड एपिथेलियम संयुक्त उपकला, इसकी मेन चीज पहचान होती है एक से ज्यादा सतह से मिलकर बना होता है, मतलब मल्टी लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए मल्टी लेयर। ठीक है, और इसमें और जो सिंपल था, सिंपल एपिथेलियम उसमें क्या डिफरेंस था, सिंपल एपिथेलियम एक से मिलकर बना था, ये मल्टी लेयर वो यूनिलेयर लेयर। इसका क्या है काम, इसमें सिंपल वाले में का मेन फंक्शन क्या था, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ठीक है, इसका मेन फंक्शन ये नहीं है, ये लिमिटेड फंक्शन है, मतलब ये एक लिमिट तक करता है एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ठीक है, लेकिन इसका मेन फंक्शन ये है रासायनिक और यांत्रिक स्ट्रेस से रक्षा करना। स्ट्रेस किस टाइप से, स्ट्रेस जैसे रासायनिक स्ट्रेस मींस जो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी मतलब इम्बैलेंस हो जाते हैं, अपना बैलेंस खो देते हैं, उन्हें उनसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हम यांत्रिक मैकेनिकल जैसे हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है या कुछ होता है तो हमारी सारी बॉडी के फंक्शन होते हैं वो इम्बैलेंस होता है।
हुआ कंप्लीट। यहाँ तक कंप्लीट करो, ये पूरा लिखो यहाँ तक, इसको यहाँ तक कंप्लीट करो, जल्दी कंप्लीट करो। जुल्फिकार कंप्लीट, वही जल्दी करिए। मुख्य गोल को सेंटर कैप भी देंगे क्या? मुख्य गोल को सेंटर कैप भी। हाँ कहाँ पर रहा? इन चेंज तो बोले थे ना। अच्छा अच्छा ओके हाँ मुख्य गुहिया गुहा को पूछ रहे हो? मुख्य गुहा मतलब ये बगल कैविटी, जबड़ा। बगल कैविटी ठीक है। अभी देखिए लिखिए कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, वो मैं तो नाइन फॉर्म काम करती हूँ। बोलिए मुख गुहा ठीक है। अब देखिए मुख गुहा में काम करती है, हमारी जो मुख की गुहा गुहा होती है, जो बकल कैविटी होती है उसमें लार वगैरह होती है, गीली रहती है, तो जो गीला वाला पोर्शन है वहां पे होती है। देखिए यहाँ पढ़िए देखिए मुख गुहा की नम सतह पर ठीक है। अब देखिए लाल ग्रंथि में नम ग्रास में क्या है? वही ग्रास में फैरिंग्स। ग्रास में कहाँ पाई जाती है? फैरिंग्स ये साउंड बॉक्स इसको बोलते हैं ठीक है। दूसरा लिखिए त्वचा की सूखी सतह, त्वचा की सूखी सतह ठीक है। अरे समझ। तीसरा लिखिए त्वचा की सूखी सतह मतलब किस टाइप से बताते हैं? फैरिंग्स ठीक है। लार ग्रंथि और क्या है? सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट gland and pancreatic duct। देखो स्किन की सूखी सतह का मतलब है हमारी स्किन की जो ऊपर ड्राई लेयर होती है ना, ड्राई वाली सूखी वाली सतह, उस पर कौन सी वो होती है? कंपाउंड एपिथेलियल ठीक है। आया समझ? हाँ देखिए सबसे पहले मुख गुहा कहाँ पे? बकल कैविटी। दूसरा त्वचा की सूखी सतह बता दिया मैंने आपको ठीक है। तीसरा फैरिंग्स, फैरिंग्स होता बेटा ये हाँ ग्रसनी, ग्रसनी फैरिंग्स को आगे लिखिए साउंड बॉक्स, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से आवाज निकलती है, जिसकी वजह से हमारी आवाज निकलती है उसे बोलते हैं फैरिंग्स ठीक है। फैरिंग्स का दूसरा नाम है साउंड बॉक्स, लिखिए साउंड बॉक्स ठीक है। आगे है लार ग्रंथि, जो लार ग्रंथियां होती है उनमें भी कौन सी एपिथेलियम होती है? उसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियास अग्नाशय। हाँ
ठीक है। हुआ कंप्लीट, पहलू कंप्लीट, जल्दी लिखिए। मैम ये भीतरी स्तर को ढकता है। हाँ देखिए पैनक्रियास जो होती है, डक्ट क्या मतलब, डक्ट का मतलब है नली की तरह, ठीक है, उसके भीतर वाले पार्ट जो होते हैं भीतरी स्तर, देखिए ऐसे जैसे मान लीजिए ये पैनक्रियास की क्या है डक्ट, इसके जो अंदर वाली सतह है ये, इसमें होती है कंपाउंड एपिथेलियल संयुक्त उपकरण, ठीक है। हुआ बेटा पनीर कंप्लीट हुआ बेटा, तो ना जल्दी से इसकी एनसीईआरटी रीड कर ली, आगे है संधि, इसको बोलते हैं जंक्शन। इसमें क्या होता है टिश्यू जो होती है, टिश्यू मतलब ऊतक, ऊतक मतलब टिश्यू किससे कनेक्टेड रहती है, उपकला से, एपिथीलियम से, ठीक है। टिश्यू टिश्यू किससे कनेक्ट रहती है, एपिथीलियम से, ठीक है, मतलब उसके बीच में होते हैं तीन जंक्शन, ठीक है, तीन जंक्शन मतलब तीन तरह की संधि होती है उनके बीच में। अब वो तीनों संधि कौन कौन सी है, ठीक है, पहला लिखिए टाइट जंक्शन, दूसरा लिखिए गैप जंक्शन, अब देखेंगे आसन जी रन रन है ना। ग्रहण सन यहाँ पे सेकंड लिखिए और ये थर्ड एंड हियरिंग, अंतरारी संधि, देखिए ये तीन तरह की संधि होती है, ठीक है, देखिए तीन तरह की संधि होती है, संधि के आगे लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए आगे, कनेक्ट करती है किसको, टिश्यू को एपिथीलियम से, ऊतक को उपकला से, देखिए तीन तरह की संधि होती है, पहली होती है दृढ़ आसंजी अंतराली टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, ठीक है। अब देखिए टाइट जंक्शन का काम क्या होता है, ये क्या काम करती है, टिश्यू और
एपिथीलियम के बीच में लीकेज ना हो, ठीक है, लीकेज को बचाती है, ठीक है, मतलब लीकेज मतलब किसी भी चीज का बहना निकल जाना, लीकेज हो जाता है ना, जैसे पेट्रोल में लीकेज हो जाता है, सी क्या काम करती है, लीकेज रोकने का काम करती है, लिखिए लीकेज रोकने का काम करती है। दूसरा है एडेनिन जंक्शन, सेकेंड वन है एडेरिंग जंक्शन। एडेरिंग जंक्शन का काम होता है सीमेंटिंग करने का काम करती है, सीमेंटिंग मतलब एक दूसरे को चिपका के रखती है, ठीक है, समझ आया इसका फंक्शन, सीमेंटिंग करना। आगे लिख लीजिए सीमेंटिंग, चिपका के रखना, ठीक है। आगे है गैप जंक्शन, टिश्यू और एपिथेलियम कुछ वगैरह रखती है, हाँ आपस में, ठीक है। आगे देखिए, आगे है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का काम होता है, देखिए जैसे मान ले दो टिश्यूज है यहाँ पे या दो एपिथेलियम है, ठीक है, उनके बीच में एक स्पेस रहता है इंटरसेलुलर, ठीक है, फ्लूइड भरा रहता है, उससे क्या होता है ट्रांसफर करने का काम करती है, इधर से लेके इधर तक एक से दूसरे में ट्रांसफर का काम करती है। जैसे फ्लूइड है, फ्लूइड का ट्रांसफर या आयन्स का ट्रांसफर, ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया, ट्रांसमिशन, ठीक है। आए बेटा समझिए, देखिए लिखा है कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को, कोशिका द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। आगे देखिए आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़ी अणुओं के तुरंत स्थानांतरण में सहायता करती है, ठीक है। यहाँ तक आप जल्दी इसको रीड करिए, उपकरण तीन जंक्शन मैंने लिखा है आपको, तीनों जंक्शन लिखा दिया, आप जल्दी से इनको रीड करिए। देखिए इधर मैं रिवाइज कराती हूँ, तीन जंक्शन हमने पढ़े, ठीक है, तीनों में काम क्या काम है, टाइट जंक्शन, दृढ़ संधि, एडेरिंग जंक्शन, आसंधि एंड गैप जंक्शन, अंतरालिक, ठीक है। इसका काम मैंने बताया एक दूसरे को जोड़ के रखना, ठीक है, मतलब लीकेज का काम रोकती है, इसका मेन फंक्शन लिखिए प्रोटेक्ट फ्रॉम लीकेज, ठीक है। ठीक है, ये क्या काम कर रही है, प्रोटेक्ट कर रहा है लीकेज से, एक दूसरे में लीकेज ना, ठीक है। दूसरा काम एडेरिंग, एडेरिंग का काम है सीमेंटिंग का काम करना, सीमेंट का काम करना, ठीक है। तीसरा है गैप जंक्शन, उसका काम मैंने बताया कि छोटे या बड़े अणु कोई भी हो तुरंत उनको ट्रांसफर करने का काम, ठीक है। तीनों याद हो गया, जल्दी से आप उसको लीड करो, कोई भी डाउट है जल्दी कन्फर्म करो।
ये पड़ोसी कोशिका और कोशिका दर्शक को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। हाँ, सीमेंटिंग वाला जो बताया मैंने, ये एक दूसरे के द्रव को जोड़ने का काम करती है, ठीक है? साइटोप्लाज्म। हाँ, भाई कोई भी डाउट है तो जल्दी पूछो। हाँ, कंफर्म। देखिए हमारा एपिथेलियम टिश्यू पूरा खत्म हो गया, अब है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? एक नया टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम आप हर जगह से खत्म करिएगा, आज जाकर के आप अपना एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल दोनों जगह से एपिथेलियम खत्म करिए। एंड फिंगरप्रिंट है आपके पास, फिंगर टिप्स, एमटीजी जिसको बोलते हैं, और मैंने बोला था खरीदने के लिए, आपने खरीदा नहीं? आज वो सबके पास होनी चाहिए एमटीजी, एनसीईआरटी फिंगर टिप, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का नाम है, मॉड्यूल आज ले लेना मैं, ठीक? दूसरा लिखिए कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, तीन होते हैं वैसे, ठीक है? लिखिए पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में भी लिखवाऊंगी, ठीक है? लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तब तक आप एपिथेलियम जल्दी रीड करिए, तब तक मैं ये लिखवा रही हूँ, ठीक है? लचीले, सघन एंड विशिष्ट कद, जिसका भी कद हमारा सही है। लचीले संयोजी ऊतक, जटिल प्राणियों के शरीर में, इसमें लिखा हुआ है जटिल प्राणियों के शरीर में ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। इसका मतलब है जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक, ठीक है? समझ आया ये? लाइन का मतलब ये। दूसरा है संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखा गया? इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू उसके रखा गया है क्योंकि ये क्या काम करता है? दूसरे अंगों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, ठीक है? ये कनेक्ट करता है, ठीक है? कनेक्शन का काम करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कनेक्टिव टिश्यू। ये पॉइंट क्या?
आलम्बन का मतलब है because of their special function of linking and supporting. Linking, linking मतलब एक दूसरे से लिंक करना. ठीक है, देखिए इसको लिखिए जल्दी. कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला गया है, तो फंक्शन लिखिए. ये क्या काम करता है, ये एक दूसरे अंगों को, एक अंग से दूसरे अंग को कनेक्ट करने का या फिर लिंक करने का काम करता है. इसकी तीन रेंज होती है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके स्पेशलाइज्ड तक. मतलब ये सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड भी होते हैं. सॉफ्ट मतलब ये बहुत नरम टाइप के भी होते हैं, ठीक है, कोमल, और विशेष प्रकार के तक भी होते हैं. ठीक है, जैसे कार्टिलेज. देखिए पहला लिखा है इसमें उपास्थि, ये जो भी लिखा है इसको लिखे कार्टिलेज. देखिए कार्टिलेज, हाँ, कहाँ पर है स्पेशलाइज्ड का लिखे, मैं लिखवा रही हूँ ना, स्पेशलाइज्ड का लिखे. ये देखिए वो लिखा हुआ है ना, उपास्थि, उपास्थि सखे कार्टिलेज, कार्टिलेज. अस्थि का लिखे बोन. ठीक है, तीसरा है वसीय उतक, मतलब एडिपोज टिश्यू. वसीय उतक इसका लिखे इंग्लिश में एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू देखिए इधर आता है, लिख रही हूँ पहले एडिपोज टिश्यू. ठीक है, लिखिए वसीय उतक मतलब एडिपोज टिश्यू. एंड ब्लड, रक्त को लिखिए ब्लड. अब देखिए इसमें जितने भी मैंने लिखवाए हैं, कौन कौन से लिखवाए, कार्टिलेज, कार्टिलेज, बोन्स, बोन, एडिपोज, ब्लड. इसमें से ब्लड को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, कौन कौन से बाकी, कार्टिलेज, बोन एंड एडिपोज, एडिपोज. ये क्या बनाते हैं, तंतु जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है. इसमें क्या होता है, फाइबर. ठीक है, क्या बनते हैं इसमें, फाइबर. फाइबर मतलब धागे धागे. ठीक है, एक ब्लड को छोड़ करके बाकी सब में फाइबर होते हैं, मतलब धागे की तरह संरचना होती है ब्लड को छोड़ करके. जैसे ब्लड ऐसा होता है जिसमें नहीं, ठीक है. प्रोटीन का तंतु, देखिए प्रोटीन का तंतु होता है इसमें, उसको बोलते हैं कोलेजन या इलास्टिन. उस तंतु को बोला जाता है कोलेजन या फिर इलास्टिन. उस तंतु को कोलेजन तथा इलास्टिन बोला जाता है. अब देखिए सुनिए, लिखिए उसके बाद सुनना है. लिखा, अब सुनिए ये बोल रहा है क्या क्या है इसमें, ब्लड, कार्टिलेज, बोन एंड एडिपोज. ठीक है, इनमें ब्लड को छोड़ करके बाकी तीन जो बचे उसमें क्या होता है, प्रोटीन के तंतु बनता है. ठीक है, प्रोटीन का तंतु मतलब प्रोटीन का फाइबर बनते हैं. ठीक है, उन फाइबर का नाम है इलास्टिन या फिर कोलेजन फाइबर. ठीक है, ठीक है, उनका नाम है कोलेजन या फिर इलास्टिन फाइबर. अब इनका काम क्या होता है, देखिए ये किसी भी चीज को फ्लेक्सीबल बनाने में हेल्प करते हैं. फ्लेक्सीबिलिटी का मतलब देखिए, अगर कोई चीज है उसको वो जल्दी से मुड़ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल. ठीक है, उसको फ्लेक्सिबल बनाने का काम करते हैं, कौन, इलास्टिन या फिर कोलेजन फाइबर. ठीक है, ये उत्तक को शक्ति, ठीक है, मतलब एनर्जी देते हैं. ठीक है, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी, लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, लिख लीजिए, इलास्टिसिटी बोलते हैं प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता को बोलते हैं इलास्टिसिटी.
एंड लचीलापन को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी चीज को लचीली और फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करते हैं फाइबर। ठीक है, अब आप देखिए हमारी जो नोज होती है उसको आप टर्न करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे तो मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि नोज में क्या होता है, कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, और कार्टिलेज में क्या होता है, इलास्टिक फाइबर होते हैं जो उसको इलास्टिक मतलब लचीला बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये कोशिका है रूपांतरित पॉलीसेक्राइड भी साबित, इनका एक और काम है ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भी बनाती है, सीक्रेट करती है मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड। देखिए मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भी बनाती है, ये पॉलीसेक्राइड बनाती है मॉडिफाइड। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड का काम क्या होता है, इन पॉलीसेक्राइड का काम होता है कोशिका और तंतु मतलब सेल और फाइबर के बीच में मैट्रिक्स का काम करना, मैट्रिक्स मतलब जैसे साइटोप्लाज्म था उस तरह से मैट्रिक्स का काम करना। ठीक है, ये कहां भरी रहती है, कोशिका और फाइबर के बीच में, कोशिका और तंतु के बीच में। हाँ ठीक है, जो पॉलीसेक्राइड उसने बनाया मॉडिफाई करके वो कहां भरा रहता है, तंतु और कोशिका के बीच में। आगे देखिए आगे सुनिए, मैं विरोध जमा होकर आधात्री का काम, आधात्री मतलब वही मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनाने का, आधात्री मतलब इसे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, जिस तरह से साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह का फ्लूइड, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड मतलब ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला। ठीक है, अब उसने बोला ये संयोजी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, ये मैंने बता दिया, पहला लचीले, दूसरा सघन विशिष्टकृत। अब देखिए लचीले में क्या होता है, जो फाइबर होते हैं, जो फाइबर मैंने बताया तंतु, वो लूजली कनेक्टेड होते हैं बहुत दूर दूर लूजली। ठीक है, सघन में क्या होते हैं, पास पास बहुत दूर दूर की तरह, मतलब दूर दूर मतलब लूजली कनेक्टेड, ज्यादा चिपके हुए नहीं। ठीक है, सघन मतलब एकदम चिपके हुए, विशिष्टकृत ये अलग होते हैं। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ, ये अलग होते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां तक पहले आप कंप्लीट करिए, ये पहला वाला करेगा, जल्दी बढ़िए पहला करेगा। हुआ कंप्लीट,
आगे देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इसमें जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उदक होते हैं, वो क्या करते हैं, कोशिकाएं और तंतु, ठीक है, कोशिकाएं तंतु मतलब शेल एंड फाइबर, वो एक दूसरे से लूजली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, लूजली कनेक्टेड, मतलब कि ये अर्ध तरल आधारीय, ठीक है, या जो मैट्रिक्स होता है, देखिए इसका मतलब है, इधर समझिए पहले, कोशिकाएं तथा तंतु मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है, उससे किस चीज किस तरह कनेक्टेड होते हैं, लूजली, ठीक है, ढीले ढीले कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो इसमें लिखिए टिश्यूज, हिंदी में लिख लेना, ठीक है, टिश्यूज एंड सेल, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, फाइबर एंड सेल्स आर लूजली कनेक्टेड विथ मैट्रिक्स। हिंदी में समझिए, फाइबर मतलब तंतु, सेल मतलब कोशिकाएं, ठीक है, लूजली कनेक्टेड है किससे, मैट्रिक्स से, ठीक है, इसमें दो टाइप की टिश्यू आती है, फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ठीक है, पहला लिखिए एरियोलर टिश्यू, दूसरा लिखिए एडिपोज टिश्यू, एडिपोज मतलब वसा उतक, ठीक है, एरियोलर टिश्यू मतलब इसको हिंदी में एरियोलर भी बोलते हैं, ठीक है, लिखे पहले यहां तक नोट डाउन करिए, इसमें बेटा साके इसमें वो डाल देता हूं ब्लैक के, तो शायद इसमें हाँ? ये एरियोलर टिश्यू, हिंदी में भी इसको एरियोलर ही बोलते हैं, क्या ये एरियोलर, ये एडिपोज टिश्यू, इसको बोलते हैं वसा उतक, मैम गर्ति का है, गर्ति को तो हाँ ये बता, इसको ये एरियोलर को ही दूसरा नाम क्या है, मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स तो वो ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होता है और उससे उसमें कनेक्ट होता है, उससे कनेक्ट, उससे कनेक्ट होता है, उसके अंदर नहीं होती, मैं ये कह दीजिए, ये अभी डेंस का है, ये अभी बताओ उसका पूरा फुल कर लेना, कोई लोग तो ऐसा नहीं आता, देखो जर उसको बता देना क्या था, आपका रिलेटिव है ना, बताना उसको,
ये कहाँ पाया जाता है? ये होता है बीनीथ स्किन, मतलब त्वचा के नीचे। ठीक है, लिखिए इसको, त्वचा के नीचे। हाँ, इसको बोलते हैं हिंदी में त्वचा ग्रंथिका उतक। देखिए अब सुनिए, इसका काम क्या होता है? ये क्या होता है? त्वचा के नीचे हमारी जो स्किन होती है उसके नीचे ये क्या काम करता है? उसको संरचना, उसको ढांचा देने का काम करता है हमारी त्वचा को। ठीक है, उसको संरचना प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, उसको फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब है ढांचा देना या फिर संरचना देना। ठीक है, हाँ ठीक है, आया समझ? अब देखिए इस टिश्यू में एरियोलर टिश्यू जो होती है इसमें क्या होता है? फ्रेमवर्क, FREMWORK। ठीक है, मतलब किसी को ढांचा देना। अब देखिए इसका काम, इसमें क्या होता है? इसमें एक फिब्रोब्लास्ट होते हैं। फिब्रोब्लास्ट उसको बोलते हैं कोरक उतक, तंतु कोरक। लेकिन तंतु कोरक को लिखे इंग्लिश में फिब्रोब्लास्ट, तंतु कोरक। इसको लिखिए, फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, इसका काम होता है फाइबर बनाना। फिब्रोब्लास्ट का मतलब है फाइबर बनाना, मतलब तंतु बनाना। और ये किसके अंदर होता है? एरियोलर टिश्यू के अंदर। ठीक है, ये समझ आया? ये लिख लीजिए कहीं। फाइब्रोब्लास्ट, इसका काम लिख लीजिए नीचे, फाइबर बनाना। फॉर्मेशन ऑफ फाइबर। ठीक है, आया ये समझ? आगे देखें, आगे आता है वसा उतक। क्या, कौन सा? वसा उतक। देखिए क्या होता है, कभी कभी जो चीजें, जो सब्सटेंस हमारी बॉडी में यूज नहीं हो पाते, ठीक है, या फिर जो न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो हम खाते हैं वो अगर यूज नहीं हो पाते, जैसे हमने खाया विटामिन खाए, ठीक है, प्रोटीन खाया, फैट खाया, ठीक है, अगर इनको हम यूज नहीं कर पाए बॉडी, तो उनको क्या करती है? बॉडी में ये स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी में इकट्ठे होकर के जमा हो जाते हैं। किसकी फॉर्म में? वसा उतक के फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में? मतलब एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में। समझ में आया? आगे अब देखिए क्या होता है, जैसे हम भूखे रहते हैं कुछ दिन तक, हम सोचते हैं कि हम भूखे रहेंगे और हम मरते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमने, मान लीजिए आज हमने बहुत सारा खाना खा लिया, जितना हमें जरूरत थी हमने उतना हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो गया, बाकी जो है बचा हुआ वो स्टोर हो गया। किसकी फॉर्म में? वसा की फॉर्म में। हम जब ज्यादा खाना खाते हैं तो मोटे क्यों हो जाते हैं? जब ज्यादा चीजें खाते हैं मोटे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में खाना ज्यादा मात्रा में बचना लगता है, ठीक है, और वो वसा की फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम ज्यादा टाइम तक खाना नहीं खाते तो क्या होता है? मरते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जो इकट्ठा हो गया है वसा के फॉर्म में, वही यूज होता रहता है बॉडी के अंदर। आया समझ? ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये क्या होता है, ये वसा के फॉर्म में
जमा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, एडिपोस के नीचे लिख लेना आप वसा उत्तर। आप ये पॉइंट आप खुद से बना के लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, पढ़ लो थोड़ा सा, 7-8 मिनट और बचे हैं, पढ़ लो। बदल का आप खाना दीजिए। चलिए कोई नहीं, आप पहले आधा खत्म करिए। बेटा बाद में रीड करना, बाद में रीड करना, ये क्लास में काम नहीं होता, आपने मैसेजेस रीड करना। ठीक है, आपको मैसेज ही पढ़ने, तो आप क्लास के बाहर जाइए, फोन चलाइए, क्लास में बताना करो। मेरे क्लास में कोई भी फोन यूज मत करना, फोन यूज करना तो क्लास में एंट्री मत लेना फिर। पढ़ो या तो गई वाला पैराग्राफ जल्दी कंप्लीट करो। नहीं मास्ट क्वेश्चन आपको दी होगी। हाँ देखिए, मास्ट सेल क्या होती है, एलर्जी के काम में। ये आपके चैप्टर, अगले चैप्टर जब आएगा ना उसमें, अगला नहीं जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आएगा, क्योंकि उसमें पहले विद्या के अगले चैप्टर में याद करना है। श्रीराम महापक्षम महापक्षम मां, अच्छा ये मां सर एंड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का काम होता है किल करना, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया ये सब आ जाते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। हाँ, किल करना मतलब मारने का काम। कंप्लीट हुआ हुआ, अब चलिए रिवाइज करो, बंद कर दो वो कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट हो गया भाई, हो गया जुल्फिकार हो गया। चलिए वो कर दो, क्या बताना है बताइए। कलम पढ़ेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सघन। ठीक है, हाँ।